अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज इस वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी किस तरह से डिज़ाइनिंग सा नीक तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं कुछ टिप्स और कुछ बहुत ही इजी मेथड से ये आप लोगों को तैयार करके दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो नॉर्मली हम लोग जिस तरह से नेक के लिए मेजरमेंट करते हैं, मैंने यहाँ पे चौड़ाई मैंने दिया है 3.5 इंच और लंबाई मैंने दिया है 5 इंच। ये जो माप है ये नॉर्मली जो मेरी ड्रेसेस हैं मैं इस माप से ही लेती हूँ, और आप लोगों का जो मेज़रमेंट है आप लोग वो ले सकते हो। लेने के बाद मुझे यहाँ पे एक राउंड सा शेप देना होगा। ये शेप देने की मैं क्यों दे रही हूँ, इससे होगा क्या आप लोगों को समझ में ईजिली आएगा। उसके बाद यहाँ से मुझे सेंटर को मार्क करना होगा, यानी कि 2.5 पे मुझे यहाँ पे एक मार्क करूँगी। करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन करके इस लाइन से मैं जोड़ लूँगी। यहाँ से मुझे यहाँ पे जोड़ देना होगा और यहाँ पे मुझे एक और एक शेप देना होगा नेक के लिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैं एक शेप दे रही हूँ इस तरह से। देने के बाद 1 इंच, यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हो 2 इंच का तो आप लोग 2 इंच का भी दे सकते हो, अगर आप लोग चाहते हो 1.5 इंच का तो वो भी आप लोग दे सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 इंच का दे रही हूँ। देने के बाद यहाँ पे मुझे ये जो पार्ट है इसको कट करना होगा। तो उससे पहले मुझे क्या करना होगा, जो मेरी पहली जो वाला नेक था, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो मेरी पहली वाला जो नेक के लिए ड्रॉ किया था ये, यहाँ से मुझे और एक 1 इंच लेना होगा जो मेरी नॉर्मली मेरी नेक का माप है, वो यहाँ से कट करना होगा। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ये वाला कट करती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा इजीली, और उसके बाद यहाँ से कट करूँगी। उसके बाद यहाँ पे ये वाला पार्ट मैं कट कर लूँगी। तो इस तरह से जो लोग नए हो उन लोगों के लिए बहुत ही आसानी होगी, जो तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ ईजीली आप लोग इसको कर सको। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कॉटन फैब्रिक ले रही हूँ, कॉटन फैब्रिक के ऊपर मैं कट करूँगी। और यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो बॉक्रम यूज़ कर सकते हो, जो हम जिस तरह से हम लोग बॉक्रम यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिप वाला एक ग्लू होती है जो आयरन के साथ वो फ्लैट होके रहती है, वो वाला स्ट्रिप मैं यहाँ पे लगाऊंगी नेक के लिए, वो बॉक्रम के जैसे ही है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से मैं रख के चारों तरफ पे जहाँ जहाँ मेरी नेक के लिए स्टिच करना होगा वहाँ वहाँ पे मैं पिन से इसको ब्लॉक करूँगी इस तरह से चारों तरफ पे। और यहाँ पे ये जो कॉटन फैब्रिक आप लोग देख रहे हो ये मैंने लिया है, जो हार्ड वाला कॉटन फैब्रिक्स होती है वो मैंने लिया है। तो अब मैं ये जब ये स्टिचिंग हो जाएगा चारों तरफ से मैं इसे कट कर लूँगी इस तरह से। उसके बाद ये जो राउंड वाला पार्ट है वो भी मैं कट करूँगी और यहाँ पर भी मैं कट कर लूँगी। करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसको घुमाकर ये जो नेक वाला पार्ट है इसको भी मैं सेंटर से कट किया था। तो कट करने के बाद इसको मैं आयरन कर लेती हूँ इस तरह से। आयरन करने के बाद यहाँ पे मेरी जो स्ट्रीप था जो मैं बता रही थी पहले ग्लू का, वो मैं लगाऊँगी यहाँ पर। ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती है और ये होता है क्या, बेसिकली इस टाइप के फैब्रिक्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि वो फैब्रिक्स से होता है क्या, स्टिचिंग आप लोगों को नहीं देना होगा, जो बॉर्डर का स्टिचिंग होती है वो देना नहीं होगा। और क्या होगा कि इससे आप लोगों का जो नेक है वो फ्लैट होकर रहेगा सेम बॉक्रम के जैसा। आप लोग देख सकते हो इसका फिनिशिंग कितना अच्छा आया है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये जो बॉर्डर आप लोग देख रहे हो इसको मैं बाद में एक स्टिच दूंगी, जब मैं यहाँ पे एक और एक पार्ट मुझे लगाना होगा जो यहाँ पे इसको जॉइंट होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसका चौड़ाई जो है आप लोग ले सकते हो तकरीबन 3 इंच और लंबाई है यहाँ पे 6 इंच, लेकर इसको दोनों तरफ से मैं इस तरह से फ्लैट करके लूँगी आयरन करके। इससे होगा क्या, जब मैं ये स्टिच करूँगी तो मुझे आइडिया होगा कहाँ पे मुझे स्टिच करना होगा,
तो अब मैं इसको घुमाकर उल्टी तरफ मैं ये स्टिच करूँगी। यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो बॉक्रम यूज़ कर सकते हो। तो उल्टी तरफ मैं जिस तरह से हम लोग डोरी बनाते हैं, डोरी के लिए स्टिच करते हैं, ठीक वैसे ही मुझे ये उल्टी तरफ यहाँ पे स्टिच करना है। उसके बाद राइट तरफ को इसको टर्न करके मैं ले आकर उसको आयरन करूँगी फ्लैट करने के लिए। उसके बाद मैं स्टिचिंग बताती हूँ आप लोगों को किस तरह से अटैच करना होगा। तो यहाँ पे ये हो गई है, अब इसको मैं घुमा लेती हूँ। घुमा लेने के बाद जो स्टिच वाला पार्ट है वो सेंटर पे रहेगा, आप लोग शायद देख सकते हो वीडियो में। लेने के बाद इसको इस तरह से मैं नेक के नीचे सेंटर पे रख के यहाँ पे स्टिच से अटैच कर दूंगी। अटैच करने के बाद इस स्टिच से ही मैं नेक की चारों तरफ पे ये जितना नज़दीक हो सके बॉर्डर का वहाँ पे आप लोग स्टिच करो, और जितनी हो सके इसको इनविजिबल रखने की कोशिश करना, क्योंकि वो साइड पे ना जाए तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। सो थोड़ा टाइम लेकर जितना साइड पे हो सके उतना साइड पे आप लोग ये स्टिच कर दो। जब ये स्टिच हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को इसको फ्लैट करके इस तरह से रख के घुमाकर इस तरह से राइट तरफ ले आना होगा। इस तरह से ले आने के बाद आप लोगों को नीचे से जॉइन करना होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ पे मैं कोई स्टिच नहीं दूंगी, तो आप लोग जो ग्लू होती है फैब्रिक ग्लू, उस फैब्रिक ग्लू के साथ इसको लगा के यहाँ पे जो पॉम पॉम होती है, ज्वेलरीज है, पार्ल है, वो भी आप लोग लगा सकते हो। यहाँ पे मैं कोई भी पार्ल या फिर कोई ज्वेलरी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसके ऊपर मैं और एक फोंस लगाऊंगी मेरी ड्रेस के लिए, तो वहाँ पे मैं नेट फैब्रिक लगाऊंगी। सो यहाँ पे इसलिए मैं इसको इस तरह से ही छोड़ रही हूँ। कोई भी ज्वेलरी या फिर पॉम पॉम मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं स्टिच करके इसको फिक्स कर दूंगी। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ पे मैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ, अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग इजीली वो कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे इसको ब्लॉक करती हूँ। करने के बाद इसकी चारों तरफ मैं यहाँ पे स्टिच कर दूंगी। तो इसी तरह से मेरी ये नेक तैयार हो गई है। बहुत ही आसान है इसको बनाने में, सिर्फ और सिर्फ मुझे 15 मिनट लगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के दौरान आप लोग मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस मेरी ये वीडियो देखने के लिए। आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। बाय।